हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। स्लेव डायनेस्टी था तो लास्ट जो आ रहा है दसवां जो आएगा आपका कैकुबाद आता है, ठीक है। ये रूलर आता है, ये 1287 से 1290 रहता है। ये इक्तदार बनाता है पंजाब में मलिक फिरोज को, ठीक है। पैरालिसिस इसको हो जाता है। उसके बाद फिर आपका कैमूर्स आता है जो कि लास्ट रूलर था। ये लास्ट रूलर था किसका? स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर आपका कौन है? कैमूर्स था, ठीक है। ये कैकुबाद का ही बेटा था 3 साल का। उसके बाद इसको बना दिया गया था। फिर मलिक फिरोज जो था ये मार देता है किसको? कैमूर्स को। ये मलिक फिरोज ही बात जैसे ही मारता है इसको, उसके बाद ये जो स्लेव डायनेस्टी है ममलुक या इलबारी डायनेस्टी है, ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है और फिर आपका खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होता है, ठीक है। मलिक फिरोज जो था वो खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जिसे तुर्क में बहुत सी डायनेस्टी होती है तो थी 64-65 के आसपास डायनेस्टी थी, उसी में से एक खिलजी डायनेस्टी थी। तो मलिक जो खिलजी थी डायनेस्टी थी, तो मलिक फिरोज इसी डायनेस्टी से था। तो अब ये यहाँ से खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होता है। मलिक फिरोज का ही नाम क्या था फिर? इसी का नाम है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नाम से ये रूलर शासक बनता है खिलजी डायनेस्टी में। तो यहाँ से स्लेव डायनेस्टी आपका पूरा खत्म हो जाता है। अब यहाँ से खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होगा। देखिए एक चीज यहाँ पे ये ऐड कर लीजिए, नसरुद्दीन महमूद के कोर्ट में आपका मिनाजु सिराज रहता था। मिनाजु सिराज किस कोर्ट में था? नसरुद्दीन महमूद के कोर्ट में था। इताबत नसर लिखा था बुक। और आपका एक चीज ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए आप खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं जो कि 1290 AD से 1320 AD तक चला था खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। ये पूरा दिल्ली सल्तनत में है। दिल्ली सल्तनत में पहला डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी चला, उसके अंदर में जो जो रूलर थे वो सारे मैंने आपको बताया। अब दूसरा डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत में वो खिलजी डायनेस्टी जो 1290 AD से 1320 AD चलता है। सबसे शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड इसी डायनेस्टी का रहा। अगर दिल्ली सल्तनत का सबसे शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड किसका रहा तो ये खिलजी डायनेस्टी का रहा। 1290 से 1320 मात्र 30 साल चला था ये डायनेस्टी। इसी में पहला जो था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था जो कि कैमूर्स को मार के खिलजी डायनेस्टी बनाया था, ठीक है। अभी इसका कोरोनेशन होता है इसका किलोखरी में होता है जो कि दिल्ली है, दिल्ली में है। और ये यहाँ पे इसका कोरोनेशन होता है और ये स्टार्ट करता है अपना रूल करना। और यहाँ ये जो है किलोखरी में ही एक फोर्ट बनाया गया जो कि कैकुबाद एक फोर्ट बनाया। और उसमें जो रेड पैलेस है उसमें जो लाल महल है वो बलबन बनाया था, ठीक है। वो बलबन का ही नाम है बहाउद्दीन भी, ठीक है। शाहजी राज भोसले जो है ये जो है आपके शिवाजी महाराज के पापा हैं, ठीक है। शिवाजी महाराज के पिताजी हुए तो शाहजी राज भोसले अपने बेटा शिवाजी महाराज और जीजाबाई उनकी पत्नी उनके लिए ही रेड पैलेस बनाया था, ठीक है। रेड पैलेस बनाए थे उन्होंने। तो ये जो पुणे में है अभी फिलहाल वो दूसरा है, अभी वो जो पहले बनाए थे वो नहीं है। तो ये पुणे में अभी फिर से है वो रेड पैलेस जो है, लाल महल जो है। एक्चुअली अगर लाल महल डायरेक्ट बोला जाए ना तो शाहजी राज भोसले जी बनाए हैं, लेकिन अगर किलखोरी में रेड पैलेस बोला जाए तो बलबन बनाया, ठीक है। तो अगर खाली कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, नॉर्मली बोला जा रहा है, तो फिर वो आप आंसर में किसको दीजिएगा? शाहजी राज भोसले को दीजिएगा। तो रेड पैलेस किसने बनाया? शाहजी राज भोसले ने बनवाया था। अब देखिए खिलजी डायनेस्टी में आपका कोरोनेशन होता है यहाँ पे, इनका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का कोरोनेशन होता है यहाँ किलोखरी में। उसके बाद इसने फाउंडेड कौन खिलजी डायनेस्टी फाउंड किया? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ही क्या किया, फाउंडेड किया खिलजी डायनेस्टी को। किसको मार के? कैमूर्स को मार के। लास्ट रूलर यही था दिल्ली सल्तनत। अगर बोलते हैं कि स्लेव डायनेस्टी में या ममलुक या इलबारी डायनेस्टी में लास्ट रूलर कौन था तो कैमूर्स था। स्लेव डायनेस्टी को फाउंड कौन किया था तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। अब खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ठीक है। इसी तरह से लास्ट रूलर पहला रूलर इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां से स्टार्ट फिर देखिए आप पहला मुस्लिम अटैक किया था जो पहला मुस्लिम रूलर जो था दिल्ली सल्तनत में जो काइंड था और हिंदू के प्रति भी बहुत काइंड था और ये काइंडनेस नेचर इसका था। इसका नेचर था कि जनता को खुश करके ही रखना, ठीक है। तो इसका काइंडनेस नेचर था। फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो था वो काइंड था, आपको देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत में। और ये किसमें से आता है? खिलजी डायनेस्टी में आता है। कौन है? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो काइंड और काइंड था, ठीक है। पहला मुस्लिम अटैक जो था साउथ इंडिया में, कौन से दिल्ली सल्तनत का रूलर के समय में पहला मुस्लिम अटैक हुआ था साउथ इंडिया में? तो वो कौन है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय में, ठीक है। और ये जो अटैक हुआ था साउथ में वो देवगिरी में हुआ था जो कि महाराष्ट्र में, देवगिरी 1293 AD में हुआ था, जहां देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र देव था जो कि यादव डायनेस्टी यादव वंश से बिलोंग करता था। तो इसी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था इस अभियान के लिए, और अलाउद्दीन खिलजी इस अभियान में सक्सेसफुल रहा था, ये जीत गया था। फिर थर्ड अटैक जो हुआ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसको इक्तदार बनाया था। कहां का अलाउद्दीन खिलजी का इक्तदार बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कहां का बनाया था? कारा का बनाया था, मणिकपुर का बनाया था। कारा मणिकपुर पहले सुबह हुआ करता था, ठीक है। कारा आपका
डिवीजन है इलाहाबाद, डिवीजन इलाहाबाद में कुछ सम्मी एक डिस्ट्रिक्ट है तो आपका यूपी में ही कारा है। तो कारा मणिपुर एक्चुअली मल्लिक छासू का भी जो रूल ये रिवॉल्ट हुआ था, अटैक जो हुआ था इसी के पीरियड में हुआ था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। तो इक्तदार और अलाउद्दीन खिलजी, इसको हराने के बाद इसको यहाँ का इक्तदार अच्छा भी काम किया था अलाउद्दीन खिलजी, इसमें भी इस वजह से यहाँ का इक्तदार बना दिया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का इक्तदार था, तो कारा और मणिपुर का। कौन बनाया था, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बनाया था, ठीक है। थर्ड अटैक ऑफ मुगलाइट्स जो हुआ था वो किसके पीरियड में हुआ था, दिल्ली सल्तनत में थर्ड अटैक ऑफ मुगलाइट किसके पीरियड में हुआ, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के ही इसी के पीरियड में हुआ था। और थर्ड अटैक ऑफ मुगलाइट जब हुआ था तो मुगलाइट की तरफ से अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला जी लीड कर रहे थे, और इधर से आपको अलाउद्दीन खिलजी लीड कर रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था यहाँ पे भी सक्सेसफुल हुआ था और ये जीता था, और 4000 जो वहां के 4000 लोग थे मुगलाइट से, वो जाना वापस नहीं चाह रहे थे, तो शरण लेना यहाँ चाह रहे थे। तो इसके लिए ही शरण देने के लिए ही क्या क्या था कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी एक एस्टेब्लिश किया था सिटी, मुगलपुर सिटी, जहां पे इन इन लोगों को जो 4000 शरण लेना चाह रहे थे उनको पहले इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद उनको उस सिटी में रहने के लिए वो दिया गया, इसीलिए उनके लिए एक अलग सिटी मुगलपुर सिटी बसाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी की जो है उसको एक पोस्ट मिला था, अमीर-ए-तुजुक का पोस्ट जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ही दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा पोस्ट मिला, अमीर-ए-तुजुक कुछ एक नहीं होता, एक तरह से सेनापति का हेड बोल लेते हैं या सेनापति बोलते हैं, ठीक है, सेना का मेन कंट्रोल करना, मेन जो हेड होता है, मेन लीड कर रहा होता है, वही है। तो अमीर-ए-तुजुक किसको मिला हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी को मिला हुआ है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिया। फिर 1296 एडी में क्या हुआ कि फिर से अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी, अटैक करता है फिर से देवगिरी पे बिना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के परमिशन के, ऐसा ही अटैक करता है। तो यहाँ पे भी जी जाता है, बहुत सा धन दौलत वगैरह माल वगैरह लूट कर वहां से लाता है, और उस वक्त भी रामचंद्र देव ही था और इसकी जो बेटी थी उसको अगवा भी बना लेता है। इसके वजह से दोनों में इख्तलाफ होता है और फिरोज शाह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी फिर मिलने के लिए मीटिंग बैठाता है, तो ये कारा में मिलता है। उसके बाद क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी कारा में ही जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का मर्डर कर देता है, उसको मार देता है। उसके बाद अब सेकंड जो रूल करेगा खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बाद, वो कौन करेगा, अलाउद्दीन खिलजी करेगा।